नमस्कार, गुड इवनिंग। बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट आगरा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने लाइव बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट आगरा से डीएम सर, फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब आपके शहर आगरा के अंदर एकमात्र ऐसा संस्था जो नंबर ऑफ सलेक्शन के मामले में सबसे आगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, रेगुलर और रूटीन बेसिस स्लाइड एंड न्यू एमसीक्यू सॉल्व कराना, इसके अलावा हम बात करें रेगुलर क्लासेस, और जुड़िए हमारे साथ में जल्दी से, हम आपको दिखाएंगे एक मंजिल का आसान सा रास्ता और उस रास्ते से आप पहुंच सकते हैं अपने कैरियर। उसके लिए एक शेर है और मैं बताना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सेवा के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसी जो अभी चल रही है, और रिसेंट और आने वाले समय में होने वाला एग्जाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ, इसके अलावा एसजी पीजीआई लखनऊ, सैफई यूपीपीएससी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तमाम वैकेंसी है, बस देर है तो हमारे साथ जुड़ने की। आइए, आप बूस्टर के साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। विद्यार्थियों, आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारी क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगी। इसके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोर्ड कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कमेटी से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। विद्यार्थी, ये क्वेश्चन जो बोर्ड कमेटी वाला है, ये 2019 के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल में भी पूछा हुआ है कि बताओ वो कौन सी कमेटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, बोर्ड कमेटी कब हुई थी। इनके सामने ऑप्शन है 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1941। फिर से सही आंसर दीजिए, देखते हैं आपका क्या आंसर रहता है। 1943, 1946, 1942, 1941। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड कमेटी कम्युनिटी के अंदर और स्पेशली रूरल हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी के अंदर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए कमेटियां आई थी। और इसमें हम बोर्ड कमेटी के बारे में बात करें तो बोर्ड कमेटी को हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। जैसा कि रूरल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करना, गांव के हर नागरिक, यानी गांव के रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, वहां तक बैठकर सुविधाएं देना, हॉस्पिटल से जुड़ाव रखना, इसी को प्रमोट करना, और इसमें एक प्रोग्राम भी इंक्लूड हुआ था, वो अलमा आटा प्रोग्राम। तो बच्चों, बोर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1943 के अंदर और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1946 के अंदर। तो आपके सामने सही आंसर क्या रहेगा, 1943, 1943। कॉन्स्टिट्यूट के बारे में पूछा जाए तो आपको 1943 आंसर करना होगा, और रिपोर्ट सबमिटेड वाला क्वेश्चन आता है तो आपको सही आंसर क्या करना होगा, 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोर्ड कमेटी के बाद अगला क्वेश्चन। सीएचईबी सेंटर ऑफ हेल्थ एजुकेशनल ब्यूरो स्टैंड फॉर पोलियो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस इज कॉस्ट बाय, यानी हेल्थ एजेंसी है सेंटर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ब्यूरो, और इसके आधार पर जो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की वैक्सीन पैरालिसिस जो एसोसिएट होता है वो कौन से वायरस के द्वारा होगा। जैसा कि आपको पता है कि पोलियो माइलाइटिस, जिसका कॉजिटिव एजेंट कौन सा वायरस होता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस भी अलग अलग टाइप से होगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, और ये तीन टाइप का पोलियो वायरस है। इसके अंदर सबसे डेंजर पोलियो वायरस की बात करूं तो ये सबसे डेंजर थर्ड पोलियो वायरस होता है। मोस्ट कॉमन पोलियो वायरस वो कौन सा होगा, फर्स्ट पोलियो वायरस। तो बताइए, सेंटर ऑफ हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के आधार पर पोलियो वैक्सीन जो होता है पोलियो माइलाइटिस में कौन से वायरस को प्रिवेंट करेगी, कौन से वायरस के प्रति बनाती है। जैसा कि हम जीरो डोज, फर्स्ट डोज, पोलियो की अलग अलग वैक्सीन देते हैं, इंडिया के अंदर पोलियो एक कैंपेन के रूप में चलता है, पोलियो के लिए
जो ओपीवी वैक्सीन दी जाती है वो पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम भी 1995 में आया था। और इसमें हम सही आंसर करना चाहेंगे, सबसे डेंजर पोलियो वायरस इज द ऑप्शन सी। भाई थर्ड पोलियो वायरस के द्वारा पोलियोमाइलाइटिस होता है। पोलियोमाइलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। कैसी होती है बच्चों? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कब डिस्कवर हुई थी? 1957 में। उसने किया था सर, सेबिन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और इस वैक्सीन की एफिकेसी चेक करने के लिए हम डायग्नोस्टिक क्या करेंगे? बीबीएम। बीबीएम क्या होता है? वैक्सीन बाय मॉनिटर। क्रिटिकल सेंसिटिव वैक्सीन होती है। इंडिया के अंदर इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी कितना होगा? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पर। ए नर्स गिवन ओपीवी वैक्सीन 2024 2024 में ओरल पोलियो वैक्सीन दे रही है। और डियर नर्स प्रोवाइड हाउ मच ड्रॉप फॉर ए चाइल्ड? ऑप्शन ए, आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि कितने ड्रॉप देने हैं एक साल में। ऑप्शन ए 2 ड्रॉप, ऑप्शन बी 4 ड्रॉप, ऑप्शन सी 5 ड्रॉप, ऑप्शन डी 6 ड्रॉप। तो बताइए, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन इसमें आपने जो सोचा है ना, ओपीवी की कितनी बूंद दी जाती है? 2 बूंद दी जाती है, बिल्कुल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, पोलियो एक कैंपेन के रूप में चलता है। और पोलियो कैंपेन के रूप में चलता है, इसका मतलब सही आंसर नहीं है। पोलियो का प्रोग्राम साल में कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार में 2 ड्रॉप दी जाएंगी, और 2 बार में कितनी देनी है? 4। एक साल के अंदर हम ओपीवी की कितनी ड्रॉप देते हैं? 4 ड्रॉप देते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? 4 ड्रॉप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन। सबकी सब किल्ड वैक्सीन है किसी एक को छोड़ के। और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट के मीनिंग होगा कि ऑल आर होते हैं तो एक नहीं होगा। और एक्सेप्ट के अंदर फैक्ट आंसर का अपन को डिस्कस करना होगा। तो हमें ये बताना है लाइव कौन सी है, किल्ड कौन सी है, या टॉक्साइड में कौन सी आती है, या आपके सामने सभी किल्ड है कि एक नहीं है। देखिए, हेपेटाइटिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ऑप्शन सी रोटा वायरस, और ऑप्शन डी क्या है? टाइफॉइड। तो देखिए, अपन लाइव वैक्सीन के बारे में बात करें तो उसका एक फॉर्मूला है, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, जिसके अंदर बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, इसके अलावा अपन बात करें क्राइम में चिकन पॉक्स आ गया, रूबेला आ गया, रोटा वायरस आ गया, इन्फ्लुएंजा लाइव आ गया, मम्स और मीजल्स आ गया, और इसके अलावा एंडेमिक टाइफस। ये सब कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन होंगी। तथा हम किल्ड वैक्सीन की बात करें तो जापान की खीर। और जापान की खीर के अंदर जापानी इंसेफेलाइटिस, KFT कयांस और फॉरेस्ट डिजीज, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा किल्ड, और इसके अलावा रेबीज वैक्सीन और टाइफॉइड वैक्सीन। तो बच्चों, आपने देखा होगा हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा किल्ड और टाइफॉइड तीनों कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है। जबकि रोटा वायरस कैसा है? लाइव वैक्सीन होता है। हम वैक्सीन के बारे में बात करें तो कुछ टॉक्सॉइड वैक्सीन भी होती है, जिसके अंदर एक DT आता है, डिप्थीरिया और टेनस। और TTB कौन सा होगा? टॉक्सॉइड। तो यहाँ पर किल्ड वैक्सीन में एक्सेप्ट करके रोटा वायरस सही आंसर है, क्योंकि तो रोटा वायरस किल्ड नहीं बल्कि कैसी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन। आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज। एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। बच्चों, कम्युनिटी के अंदर, या फिर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी, किसी भी कम्युनिटी में कोई भी डिजीज होती है, उस डिजीज को अलग अलग स्टेज के अंदर हमें क्या करना होता है? प्रिवेंट
प्रिवेंट करना होता है। उसके लिए लेबल्स होते हैं कुछ प्रिवेंशन के, जिसमें प्राइमोर्डियल आएगा, प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी हमें इसमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ये बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदाउट एक्शन ओनली मॉडिफिकेशन स्टेज, लाइफ स्टाइल चेंज करना या एजुकेशन देना, वो प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगा। जबकि जबकि हम बात करें किसी भी डिजीज होने से पहले एक्शन लेना प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। डिजीज से एक्शन लेना प्राइमरी होगा, डिजीज होने के बाद सिम्टम्स आने के बाद डायग्नोस्टिक करना, साथ में ट्रीटमेंट करना कौन सा सेकेंडरी, और डिजीज होने के बाद में रिहैबिलिटेशन केयर देना टर्शियरी प्रिवेंशन, और एक और होता है क्वार्टनरी प्रिवेंशन। और क्वार्टनरी प्रिवेंशन क्या होता है पता है, क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है वो क्वार्टनरी। तो यहाँ पर आपके सामने क्वार्टनरी ऑप्शन में नहीं है। प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे वैक्सीन दे रहे हैं, टीबी न होने से पहले वैक्सीन दिया हमने बीसीजी का, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी की बात करें, किसी पेशेंट को फीवर आया और फीवर के बाद में हमने डायग्नोस्टिक कराया या उसको पैरासिटामोल दिया, वो कौन सा प्रिवेंशन होगा, सेकेंडरी। लेकिन डिजीज होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन को रोक रहे हैं तो सही आंसर कौन सा होगा, टर्शियरी प्रिवेंशन। मैं आपको बताना चाहूंगा एक वर्ड होता है डिजीज और एक वर्ड होता है इलनेस। डिजीज का मीनिंग होता है पैथोलॉजिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रेजेंट हो और डॉक्टर उसका क्या करे, प्रिवेंशन करे, ट्रीटमेंट करे, इलाज करे, उसको डिजीज बोलते हैं। लेकिन इलनेस की बात करें तो इलनेस एक वो स्टेट होती है, इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ बींग, जिसके अंदर पेशेंट फिजिकल और मेंटल और सोशियल तीनों से डिस्टर्ब होता है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, इलनेस से। तो बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ना तो डिजीज होगी और ना ही कोई इलनेस होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम बात करें तो इलनेस एबसेंट होगा, जबकि डिजीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जैसे ही पेशेंट किसमें पहुंचता है, टर्शियरी के अंदर पहुंचता है, तो यहाँ डिजीज के साथ साथ इलनेस भी हो जाती है, यानी फिजिकल सिम्टम के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं, मेंटली सिम्टम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम रिहैबिलिटेशन केयर देंगे, और उस प्रिवेंशन को कौन सा प्रिवेंशन बोलते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन। तो सही आंसर यहाँ पर टर्शियरी प्रिवेंशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप बी पीएससी इज डिलीवर्ड लोड ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रूरल एरिया के अंदर। ये एक अच्छा हॉस्पिटल, जो आजकल आपको पता होगा कुछ आयुष्मान भारत योजना 18 के तहत, फिर उसके बाद में पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और उसके बाद में अभी नया एक आम योजना चल रही है, और आम योजना बोले तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पीएससी ए और पीएससी बी दो तरीके से डिवाइड होंगी। तो ये पूछा है कि टाइप ए और बी, यानी टाइप ए के अंदर रूटीन पीएससी होता है और टाइप बी होता है वो एमसीएच पीएससी होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से संबंधित। तो बताइए कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो सकती है टाइप बी पीएससी में। ऑप्शन ए 10 और उससे ज्यादा डिलीवरी, इसके अलावा 25 और मोर डिलीवरी पर मंथ, 30 और मोर डिलीवरी पर मंथ, 20 और मोर डिलीवरी पर मंथ। तो बच्चों टाइप ए पीएससी पर रूटीन केयर होता है, जिसमें एमओ मेडिकल ऑफिसर वो टाइप ए पीएससी को ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें रूटीन ओपीडी करना, इसके अलावा अपन बात करें एनसीडी करना, इसके अलावा बात करें अपन रेफरल केसेस को देखना, इमरजेंसी केसेस को देखना, तथा टाइप बी में डिलीवरी क्या होती है, कंडक्ट होती है, और इसमें वैक्सीनेशन होगा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बी से या बी से ज्यादा डिलीवरी सी पर कौन से टाइप में बीपीएससी पर लोड होती है एक महीने के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपके लिए एक शेर है कि ख्याल और ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, ख्याल और ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पर ध्यान देते रहो, और नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा,
इसलिए पढ़ाई करते रहो और इम्तिहान देते रहो। प्रिय विद्यार्थियों, बूस्टर के साथ आपको जुड़ना है, बूस्टर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए विभिन्न क्वेश्चन के साथ में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल ऑफ डिजीज पोजिशन रेफर टू चूज वन ऑफ द बेस्ट आंसर एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मीन्स क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। किसी भी कम्युनिटी के अंदर किसी भी डिजीज के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाएगा? एपिडेमियोलॉजी। अब हम बात करें फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे, तो देखो कुछ मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हमें साथ में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स को किस नाम से भी जानते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, इसके अलावा फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन थे? जॉनसन होते। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी डिजीज को पहुंच होने के लिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर होंगे तभी वो डिजीज क्या होगी, पहुंच होगी। तो यहाँ पर ट्रायड में दो फैक्टर होंगे, आपके सामने ए बी सी डी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन एजेंट होस्ट और एनवायरमेंट, माफ करिएगा, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी में एंड प्लेस और पर्सन, ऑप्शन सी सोर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन सस्टेनेबल होस्ट, ऑप्शन डी जॉनसनो रॉबर्ट कोच कैनाथ रॉटमैन। तो देखिए, यहाँ हम ऑप्शन डी को देखें तो जॉनसनो तो फादर ही थे एपिडेमियोलॉजी, रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के फादर थे। ऑप्शन सी में देखें तो सोर्स या मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी डिजीज कौन से रास्ते से क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और उसके लिए ससेप्टिबल होस्ट कौन होता है, यहाँ ट्राइड को देखना है। टाइम प्लेस और पर्सन, क्या टाइम प्लेस और पर्सन के आधार पर डिजीज होती है? बिल्कुल नहीं। और डिजीज में कैसे कैसे, सबसे पहले एजेंट होना चाहिए। एजेंट की बात करें तो एजेंट फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये एजेंट सर्वाइव किसमें करेगा? होस्ट के अंदर। और होस्ट सर्वाइव किसमें करता है? एनवायरमेंट के अंदर। तो होस्ट की भी बात करें, ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए किसी भी डिजीज को पहुंच होने के लिए, जैसे अनवैक्सीनेटेड पर्सन हो गया, माल नरिश्ड पर्सन हो गया, इम्यूनोलॉजिकल वीक पर्सन हो गया, लो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन हो गया। एनवायरमेंट की बात करें तो अलग अलग एनवायरमेंट, अननीट एनवायरमेंट है, अनहाइजेनिक एनवायरमेंट है, रिजर्व एनवायरमेंट है, स्लम्स एनवायरमेंट है, वहां पर डिजीज की प्रोग्नोसिस रेट भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इंसिडेंस रेट यानी न्यू केसेस भी मिलने के क्या रहते हैं, चांस ज्यादा रहेंगे। तो सही आंसर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ऑप्शन ए एजेंट होस्ट और एनवायरमेंट। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर, यानी वो कौन सा मोड है जिसमें डिजीज डायरेक्टली क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है? ऑप्शन ए व्हीकल बॉर्न, ऑप्शन बी फूड बॉर्न, ऑप्शन सी वेक्टर बॉर्न, ऑप्शन डी ट्रांस प्लेसेंटल। हमें डायरेक्ट का पता लगाना है। तो व्हीकल बॉर्न वो कौन सी डिजीज होंगी जो व्हीकल के द्वारा फिर किसी पर्सन के अंदर ट्रांसफर होती है? फूड बॉर्न वो डिजीज होती है जो कंटेमिनेटेड यानी इनडायरेक्ट होंगी, वो व्हीकल बॉर्न डिजीज होंगी। फूड बॉर्न डिजीज कौन सी होंगी जो सबसे पहले कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर, वेक्टर बॉर्न वो होती है जो हमारी स्किन को डायरेक्टली क्या करे, ब्रेक करे, यानी अपन ये कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो वेक्टर बॉर्न डायरेक्ट होती है और व्हीकल बॉर्न इनडायरेक्ट होंगे। और फूड बॉर्न कौन सी होती है जो कंटामिनेशन फूड के द्वारा, और ट्रांस प्लेसेंटा मदर से फीटर, मदर से न्यू बॉर्न। तो यहाँ पे सही आंसर डायरेक्ट मोड वाली डिजीज कौन सी है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। और वेक्टर बॉर्न के अंदर जैसे आपने सुना होगा मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब कौन सी डिजीज होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग, द कंट्री विल बी इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात करें तो डेमोग्राफी साइकिल के अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं, इंडिया भी कौन सी स्टेज में चल रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हाई स्टेशनरी, जिसमें बर्थ रेट क्या मिलेगी, ज्यादा, और डेथ रेट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। दूसरी कौन सी होती है, लेट एक्सपेंडिंग, और लेट एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी क्या रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी, लेकिन उसकी तुलना में डेथ रेट बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। इसके अलावा
तीसरी स्टेज कौन सी होती है? अर्ली एक्सपेंडिंग। और अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट क्या रहेगी? यहाँ पे बर्थ रेट है वो बढ़ी हुई, और डेथ रेट क्या रहेगी सर? डेथ रेट यहाँ पे कम रहेगी। और ये इसको किस नाम से जानेंगे सर? अर्ली एक्सपेंडिंग। और एक कौन सी होती है? लो स्टेशनरी, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या मिलती है? कम मिलेंगी। उसको कौन सी बोलेंगे? लो स्टेशनरी। तो इसमें सही आंसर रहेगा कौन सा? अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा, अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर ये आपको देखना होगा, बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट क्या है? कितना है? लेट एक्सपेंडिंग के अलावा ये क्या है? कम है सर, उसमें ग्लोबल और होता है। ठीक, चलिए। इन द डेमोग्राफी साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड प्रेजेंट? डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया कौन सी स्टेज पर है? हाई स्टेशनरी, बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट कम। लेट एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट बढ़ी हुई होगी और उसके अंदर डेथ रेट कम रहती है। अर्ली एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट ज्यादा और उसके अलावा डिक्लाइन। और एक लेट लो स्टेशनरी। तो इसके अंदर इंडिया के लिए ये क्वेश्चन MPCHO में पूछा हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लेट एक्सपेंडिंग। तो सही आंसर लेट एक्सपेंडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन डेमोग्राफी से संबंधित, सेक्स रेशियो यूज्ड टू डिस्क्राइब द। सेक्स रेशियो रेशियो हम डेमोग्राफी के अंदर यूज करेंगे। नंबर ऑफ मेल पर 1,000 फीमेल, क्या 1,000 मेल पर महिलाओं की संख्या? ऑप्शन बी। नंबर ऑफ फीमेल पर 1,000 मेल, क्या 1,000 मेल पर फीमेल की संख्या? ऑप्शन सी। नंबर ऑफ मेल पर 1,000 बार, ऑप्शन डी। नंबर ऑफ फीमेल पर 1,000। देखिए, यहाँ सेक्स रेशियो की बात है, तो यहाँ पे बर्थ से फीमेल हो चाहे मेल हो, बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हम सेक्स रेशियो में बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मेल फीमेल, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मेल पर 1,000 फीमेल होंगी या 1,000 फीमेल पर नंबर ऑफ मेल कितने होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल पर 1,000 मेल। 2011 सेंसस के आधार पर इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 9:43। अभी 22 के डाटा, 23 के डाटा बताते हैं, वो अप्रोक्सीमेट 9:55 के आधार पर पहुंच गया है। और जो सेंसस होना चाहिए इंडिया में वो 2021 में होना चाहिए, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा आपके सामने नए डाटा भी आएंगे। तो सेक्स रेशियो का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फीमेल पर 1,000 मेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन BMW बायो मेडिकल बेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन, यानी बायो मेडिकल बेस्ट के अंदर जो भी हॉस्पिटल के अंदर बेस्ट होता है वो कौन सी बिन के अंदर, कौन से बैग में हमें डिस्कार्ड या डिस्पोज करना पड़ेगा? तो ह्यूमन एनाटॉमिकल ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन ब्लैक और ऑप्शन डी ब्लू। देखो, आपको पता होगा रुबरी से संबंधित या प्लास्टिक से संबंधित कौन सा रहता है? रेड रहता है। इसके अलावा हम शार्प इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ब्लू रहेगा। डस्ट पार्टिकल की बात करें, पेपर बिन की बात करें, कौन सा रहेगा? ब्लैक रहेगा। और ह्यूमन एनाटॉमिकल ब्लड ऑर्गन प्लेसेंटा ये जितने भी होते हैं यानी पस से संबंधित, ये सब किस में जाएंगे? येलो बिन के अंदर। और बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। हम जब हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बोतल, आईवी ट्यूब्स एंड कैथेटर शुड बी सेग्रीगेटेड। मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जितने भी प्लास्टिक से संबंधित, जिसमें ट्यूबिंग हो गया, बोतल हो गया, आईवी ट्यूब हो गया, सेट हो गया, कैथेटर्स हो गया, एमडी ट्यूब हो गया, सेंट्रल लाइन हो गई, इसके अलावा अपन बात करें इंटरनल कैथेटराइजेशन हो गया, जितने भी ट्यूब से संबंधित हैं या प्लास्टिक से संबंधित हैं वो कौन से बैग में डिस्कार्ड किए जाएंगे? येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। सही आंसर क्या रहेगा? रेड के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब क्वेश्चंस को सुन रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ आंसर भी दे रहे होंगे। आप जल्दी से जुड़िए, आगरा के अंदर भगवान टॉकीज के पास में
बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। यहाँ पर हमारी कोचिंग में नियमित कक्षाएं होती हैं, हर 7 दिन से फैकल्टी चेंज होगी। इसके अलावा लीड सिलेबस होगा, 6 मंथ का सिलेबस है, लेस पेएबल है, और इसके साथ में हमारे साथ जुड़िए आप, आपका सिलेक्शन हमारे साथ में सुनिश्चित है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इसके अलावा दिल्ली एम्स, जयपुर SMS के द्वारा सिलेक्टेड और एक्सपीरियंस टीचर, 7 ईयर 6 ईयर एक्सपीरियंस टीचर, अप्रोक्सीमेट 10 to 15 एग्जाम क्वालिफाइड टीचर आपके सामने होंगे। उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर के अंदर जो भी आपका गोल है, ग्रीम है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसे आप सक्सेस कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं वन एग्जाम वन गोल, गो एंड ग्रैब इट। एग्जाम है, एक लक्ष्य है, जाओ और मार गिराओ, तो आपको बूस्टर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के लिए, द ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस या स्कीम प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। ICDS प्रोग्राम है वो 1975 के अंदर आया था, और ICDS प्रोग्राम के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये कंप्लीट किए जाते हैं MCH और RCH के लिए। तो हमें ये देखना होगा कि RCH प्रोग्राम जो होगा एरिया और रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम चलता है, और आपने सुना होगा CSC के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कितनी पॉपुलेशन होती है 80,000 से लेके 1,00,000, तो इसका सही आंसर कितना रहेगा, 1,00,000 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि गांव और शहर दोनों को मिला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर करता है, और तो वहीं से ये प्रोग्राम क्या होता है, लॉन्च होता है ICDS। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एडिस मॉस्किटो कॉजेस एक्सेप्ट। एडिस मॉस्किटो क्या क्या कॉज कर सकता है, ये वायरल मॉस्किटो है, आपके सामने ऑप्शन, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इंफेक्शन और मलेरिया। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एडिस मॉस्किटो जो होता है, एडिस एजेप्टाई वायरल डिजीज होती है, जबकि मलेरिया कौन सा होता है, प्रोटोजोअल डिजीज होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा मलेरिया कैसा होगा, प्रोटोजोअल, और ये चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन, ये सब वायरल में आते हैं। एक्सेप्ट करके पूछा हुआ है, तो सही आंसर क्या करना पड़ेगा, मलेरिया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, डेंगू और मलेरिया का जो प्रोटोजोआ और इसके अलावा जो वायरल है, वो क्लीन वाटर के अंदर क्या करता है, सर्वाइव करता है। डेंगू का वायरस क्लीन वायरस, मलेरिया का डर्टी वाटर के अंदर क्या करता है, सर्वाइव करता है। बहुत डेंजर डिजीज होती है, और एडिस मॉस्किटो के द्वारा जब ये सीवियर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में DSS कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, DSS को किस नाम से, डेंगू सॉफ सिंड्रोम, और ये बहुत सीवियर, इसके अंदर हरमन टाइम देखने को मिलेगा, और इसके अंदर कॉर्निक्वेट क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टॉक्सिन टिटेनोप्लाज्मिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। टॉक्सिन टिटेनोप्लाज्मिन नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड कफिंग कराएगा, इन्फेक्शन, हेमरेज या फिर स्पास्म ऑफ मसल। देखिए टिटेनस के अंदर, और टिटेनस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, और क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के अंदर जो टिटेनस बैक्टीरिया है, जो टॉक्सिन को क्या करेगा, रिलीज, और जब टॉक्सिन रिलीज होते हैं तो सीवियर पेन होता है मसल्स में, और पेन के साथ साथ पेशेंट अपनी बॉडी की शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो मसल्स में क्या होने लगेगा, स्पास्म होने लगता है। तो आपके सामने सही आंसर, स्पास्म ऑफ मसल, टॉक्सिन टिटेनोप्लाज्मिन, यानी मसल्स में, और इस मसल्स में ऑस्टियोटोनस धनुष शेप जैसी क्या बन जाती है, पोजीशन बन जाती है, जो लॉक हो जाता है, कभी कभी टंग आ जाती है टीथ के बीच में, टंग क्या हो जाती है, टंग बाइट हो जाती है, कट जाएगी, फिंगर्स के अंदर स्पास्म होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे, टिटेनस के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड, पोलियो का लास्ट केस 2011, 2012, 2013, 2014, फिर ये विद्यार्थियों पोलियो का लास्ट केस जो मिला था वो मिला था 2011 वेस्ट बंगाल के अंदर, लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद में 27 मार्च 2024 के अंदर
पोलियो को क्या किया गया था, इरेडिकेशन किया गया था। अभी आप सोच रहे हो क्या सर पोलियो हमारी कंट्री से एलिमिनेटेड हो गया, इरेडिकेटेड हो गया? प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा, किसी भी कंट्री से कोई डिजीज फर्स्ट टाइम एलिमिनेट होती है, उसके बाद में WHO के द्वारा डिजीज को इरेडिकेट किया जाता है। तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया में अभी पोलियो केवल एलिमिनेट है, लेकिन केवल इंडिया में देखें तो पोलियो एलिमिनेट भी हो गया और इसके अलावा इरेडिकेट भी हो गया, लेकिन अभी भी पोलियो के केस क्या होते हैं, रिपोर्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? पोलियो वायरस ट्रांसमिशन का क्या रूट रहता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी रूट होगा, ठीक, ओरल रूट, ट्रांसप्लेसेंटल, या ऑल ऑफ दी अबव? देखिए बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज में ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट में अपन ने सुना होगा चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, रूबेला हुआ, है ना, रोजेला, इन्फ्लुएंजा, ये सब ड्रॉपलेट में आते हैं। और हाईली इन्फेक्शन यानी कि ऐसी डिजीज जो GI सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिसमें टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, पोलियो हो गया, ये सब कौन से रूट से? फीकल ओरल रूट से। ट्रांसप्लेसेंटल, वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटल यानी अपन बात करें मदर से न्यू बॉर्न या फीटस के अंदर डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर पोलियो वायरस मोस्टली कंटामिनेशन फूड और वाटर के द्वारा, तो इसमें सही आंसर फीकल ओरल रूट। और इसका जो सर्वाधिक अगर हम बात करें स्प्रेडिंग चांस रहते हैं, वो तो कौन से सीजन में रहेंगे? रेनी सीजन में। 10 ईयर तक के बच्चों में पोलियो के चांस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। पोलियो सबसे ज्यादा कौन सा पैरालिसिस, असेंडिंग या डिसेंडिंग? पोलियो बच्चों असेंडिंग पैरालिसिस कॉज करता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटी से अपर एक्सट्रीमिटी तक, और इसके अंदर बैक मसल्स में क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। उस साइन को कौन सा साइन बोलेंगे? रिपोर्ट साइन। और बच्चों रिपोर्ट साइन क्या होता है पता है आपको? पेशेंट अनेबल टू सिट, यानी पेशेंट है वो क्या नहीं हो पाएगा, सीट नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से नेक में क्या होते हैं, स्पाज्म होते हैं। पोलियो तो रोकने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन, इट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन, सबसे पहले पोलियो वायरस कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगा? GI सिस्टम को। क्यों? क्योंकि ये एंटर कर रहा है कौन से रूट के द्वारा, ठीक, ओरल रूट के द्वारा। और इसके जो सिम्टम आने का टाइम रहता है वो अप्रोक्सीमेट 6 से लेके 14 डे, यानी यहाँ पर हम देखें 2 से 6 दिन, 2 से 7, 4 से 6, 7 से 10 दिन, तो 7 से 14 दिन के अंदर पोलियो के क्या आते हैं, सिम्टम। और इसमें जो प्राइमरी सिम्टम रहेंगे वो GI डिस्टरबेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, है ना, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन रहता है, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं कौन से वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके सामने बहुत क्वेश्चन कराई है और आप देख रहे हैं, और आपको जुड़ना भी है हमारी क्लासेस के साथ, रेगुलर आपको क्लास लेनी है, और देख सकते हैं आप बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, हम एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे और उसके साथ में ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर +2 से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाउ मच टाइम, यानी पोलियो वैक्सीन जो होती है वो अगर हमें फ्रीजर में स्टोर करना है तो -20 पर रखना होगा, लेकिन एज ए वैक्सीन कैरियर या फिर हमें वैक्सीन के रूप में स्टोर करके सप्लायर तक पहुंचाना है, कोल्ड चेन को मेंटेन करना है, तो उसका टेम्परेचर 2 से 8, +2 से +8 रहता है, कितनी दिन तक स्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन ए 30 डे, ऑप्शन बी 60, 120, या टिल एक्सपायरी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 120 डे, यानी 120 दिन तक इस पोलियो वैक्सीन को हम 2 से 8 पर स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद में एफिकेसी रेट पोलियो की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। चलिए अपन बात करें बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट, यानी पोलियो का बूस्टर कब लगाते हैं? जैसे ही न्यूबॉर्न का जन्म होता है सबसे पहले हम 0 डोज देते हैं। तो 0 डोज क्या इफेक्टिव डोज है क्या पोलियो का? बिल्कुल नहीं। 0 डोज जो होता है पोलियो का वो सेंसिटाइज डोज होता है, एक्सपोजर डोज होता है, इफेक्टिव डोज नहीं होगा, वो एटवर्थ दिया जाएगा। फर्स्ट डोज होगा वो 6 वीक पर, सेकेंड डोज
10 वीक पर, हर डोज 14 वीक पर, और उसके बाद में पोलियो और डीपीटी का बूस्टर कब लगता है? 16 से 24 महीने पर। तो यहाँ 24 नहीं है, 9, 12, 14 और 16 मंथ। तो सही आंसर कितना महीना रहेगा? 16 महीने पर। अगला क्वेश्चन, आईपीवी अलोंग विद ओपीवी इज गिवन एट, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन अगर हमें देना है तो ओपीवी के साथ कौन सी डोज पर देते हैं? प्रिय विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन अपन कब देते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते हैं कब? 6 वीक पर, और यहाँ पर 6 वीक पर कौन सा डोज होता है? फर्स्ट डोज, ठीक है। तो आईपीवी कितने वीक पर? 6 वीक पर, ठीक है। चलिए, तो आज हमने काफी क्वेश्चन देखे और कम्युनिटी के क्वेश्चन यथासंभव आप सॉल्व करते रहेंगे। भी जुड़िए हमारे साथ और बताइए बूस्टर के बारे में, तब तक आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।